हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका MySirG.com के इस चैनल पे जहां पर हम लोग देख रहे हैं कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम जो इफ एल्स टॉपिक पे बेस्ड है। आपको बताना है इसका आउटपुट क्या आएगा। तो ये रहा आज का प्रोग्राम, मैं थोड़ा सा जूम करके इसको बता देता हूँ आपको। इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए और आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं और इत्मीनान से देखिए कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, और जब आपका रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को रिज्यूम कर लीजिएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने स्क्रीन को पॉज करके इसका सोल्यूशन निकाल लिया होगा। आपका आंसर या तो आ रहा होगा हेलो और एक्स की वैल्यू कुछ प्रिंट हो रही होगी, या फिर प्रिंट हो रहा होगा हाय और एक्स की वैल्यू। तो अब हम लोगों को ये देखना है कि ये कंडीशन जो इफ में लिखी है वो ट्रू हुई या फॉल्स हुई। पहली नज़र में देखकर ऐसा लगता है कि ये कंडीशन ट्रू हुई है, क्योंकि 5 ग्रेटर देन 3 होता है और 3 ग्रेटर देन 2 होता है, लेकिन जिस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया ये गलत तरीका है। यस, आप इस तरीके से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, आइए उसको समझते हैं। तो देखिए, यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रोग्राम में जो ये इफ के अंदर कंडीशन लिखी हुई है, आखिर ये कंडीशन इवैल्यूएट कैसे होगी। तो देखिए, लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2। तो आपको इस बात को समझना होगा कि इस एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व किया जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा, और जो इसका रिजल्ट आएगा उससे हम डिसाइड करेंगे कि ये कंडीशन ट्रू हुई या फॉल्स हुई। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर एक से ज्यादा ऑपरेटर्स लगे होते हैं तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल्स के तहत हम लोग पहले ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा। अब क्योंकि दोनों ही ऑपरेटर यहां पर ग्रेटर देन ऑपरेटर हैं, इसलिए दोनों की प्रायोरिटी समान है, और जब ऐसा होता है रिलेशनल ऑपरेटर्स में तो लेफ्ट टू राइट हम इनको सॉल्व करते हैं, यानी ये वाला ऑपरेटर जो लेफ्ट में आ रहा है पहले इसको सॉल्व करेंगे। और x ग्रेटर देन 3, अब x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू इनिशियली रखी गई है 5, जिस वजह से इसको रीड करेंगे 5 ग्रेटर देन 3। 5 ग्रेटर देन 3 क्या होता है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। हम जानते हैं 5 बड़ा होता है 3 से, इसलिए ये कंडीशन ट्रू है और ये एक्सप्रेशन ट्रू है, इसलिए इसका रिजल्ट आएगा 1। ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0, तो इस जगह पर आ गया 1। तो ये एक्सप्रेशन बदल के हो चुका है 1 ग्रेटर देन 2। यस, तो हम लोग अगर ये सोच रहे थे कि 3 और 2 का कंपैरिजन होने वाला है, तो जी नहीं, क्योंकि x ग्रेटर देन 3 का रिजल्ट उस जगह पर आ गया है, तो फिर 1 ग्रेटर देन 2 हो रहा है और ये कंडीशन हो रही है फॉल्स। कई लोगों को इसमें एक बार में बात समझ में नहीं आती, लेकिन अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो आपको समझ में आ जाएगा। आप मुझे बताइए कि अगर पहले हम इस तरीके से लिखते हैं तो आप x प्लस 3 को पहले ऑपरेट करेंगे, राइट, यानी 5 प्लस 3 को ऑपरेट करेंगे और 8 आएगा। क्या उसके बाद आप 3 प्लस 2 करते हो? नहीं, आप 3 प्लस 2 थोड़ी करते हो, आप तो 8 प्लस 2 करते हो, क्योंकि पहले इसका रिजल्ट आ जाएगा, वो इस जगह पर आ जाएगा, ये x प्लस 3 हट जाएगा और इस जगह पर आ जाएगा 8, और 8 प्लस 2 होने वाला है। तो जब यहां पर हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर यहां पर हम गलती क्यों कर रहे हैं? हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसका जो रिजल्ट है वो इस जगह पर आ जाएगा, तो हम 3 का 2 से कंपैरिजन नहीं करने वाले हैं, बल्कि x ग्रेटर देन 3 का जो रिजल्ट आया है 1 का कंपैरिजन कर रहे हैं हम 2 के साथ, और वो कंडीशन फॉल्स हो रही है, इसलिए else पार्ट में जा रहे हैं। अब यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पब्लिश करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। हालांकि मैं डेली ही वीडियोस अपलोड करता हूं, तो आप लोगों से कोई वीडियो मिस नहीं होगा अगर आपने इसको सब्सक्राइब किया होगा। इसके अलावा आपने अगर मेरे सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, क्योंकि अलग अलग चैनल्स पर रखे हुए हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरी वेबसाइट MySirG.com को विजिट करें, जहां पर मैंने अपने सारे वीडियोस के लिंक्स बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में रखे हुए हैं, अलग अलग कोर्सेज वाइज। करीब 15 के आसपास कोर्सेज वहां पर आपको मिलते हैं, इन कोर्सेज को आप लर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मिलेगा आपको, डाउनलोड करने के लिए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, और भी बहुत सारा स्टफ रहेगा। जो हर वीक में लाइव सेशन लिया जाता है उसके बारे में भी जानकारी आपको इसी साइट पर मिलेगी। इनफैक्ट
जो भी जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ उसका सबसे सही प्लेटफॉर्म है MySirG.com, तो इसलिए आप उसको भी सब्सक्राइब करें, उस पर भी आप रेगुलरली विजिट करें। थैंक यू।